यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक हत्या किया गया, ये उत्तर प्रदेश सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हम लोग बारात के भेस में जो है लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अब जिस तरीके से प्रियंका जी को हिरासत में ले रही है, तो अब बाराती के तौर पर हम लोग जो है, क्योंकि आप तटुल है, बाराती बन करके हम लोग जो है लखीमपुर रवाना हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर रही है, समाजवादी पार्टी, यूपी कांग्रेस की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी समेत उत्तर प्रदेश और देश के कई विपक्ष के नेता लखीमपुर खीरी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ किसानों का दर्द साझा करने के लिए, उनके परिवारों से मिल करके उनको संतावना देने के लिए। मगर भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार सच बाहर ना आ पाए, इसलिए विपक्ष की आवाज़ को दबाने का षड्यंत्र रच रही है। तो प्रयागराज से हम कांग्रेसियों ने भी प्रियंका गांधी जी का साथ देने के लिए लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास किया। तो इसके लिए हम लोगों ने बारात का भेष धारण किया, बाराती बने और मैं खुद दूल्हा बन करके शहर की सीमा पार करने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने घेराबंदी करके जिस तरीके से रोकने का प्रयास किया, ये निंदनीय है। उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस सच छुपाना चाहती है, तो इसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए उतनी कम है।